हेलो दोस्तों, जय हिंद डॉगीज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कई कमेंट्स आ रहे थे कि भैया लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, हमारे घर का जो होम अपना फूड है चाहे रॉयल कैनल पेडिग्री वो खत्म हो चुका, हम क्या करें, हम घर के खाने में क्या दें। तो कई कमेंट्स आए, तो मैं चलो थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस छोटे बोट हम शेयर कर लेते हैं कि आजकल मैं क्या दे रहा हूँ। सबसे पहली बात दोस्तों कि होम बाहर का खाना जरूरी नहीं कि आप पैकेट फूड दो, वो उनके लिए जिनके पास साधन हो। दोस्तों हम इंडियन है, हमारे पास हर एक चीज स्पेशल अवेलेबल है, चाहे चिकन हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे आटा हो, चाहे दाल हो, चावल हो, हर चीज हमारे पास स्पेशल अवेलेबल है। तो भाई हम क्यों पैकेट खाने में जाए, तो चलो वो तो बाद में डिबेट करेंगे। उसके बारे में वीडियो बना रखा है मैंने कि होममेड फूड में क्या देना चाहिए। वैसे लॉकडाउन का पीरियड है, जैसी बात हम वो सारे जो होना चाहिए वो इकट्ठे नहीं दे सकते, बट क्या अमूमन हम ऐड करते हो, मैं क्या दे रहा हूँ बच्चों को। और आपका डेमो भी हमारा अमेरिकन बुली है अपना 45 डेज का, उससे मैं क्या दे रहा हूँ। और अपनी 2-2.5 महीने की हमारी एक गोल्डन रिट्रीवर फीमेल है जो लास्ट टाइम बच्चे हुए थे, तो वो मैंने रखा, उसको मैं क्या दे रहा हूँ, तो उसके बारे में छोटा सा वीडियो है। तो उसको मैं सीधी सी बात है चिकन और राइस दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं है ना, ये चिकन ब्रेस्ट है, ये बोनलेस, इसमें हड्डी नहीं है क्योंकि ये 45 डेज का, और हड्डी है बीच का, ये सॉफ्ट पीस खा लेगा वो, 45 डेज का बुल्ली है। तो उसके लिए दोस्तों ये चिकन हो गया, और जो अपनी 3 मंथ है उसकी हड्डी देखो, आप देख सकते हो इसमें बोनलेस, ये मतलब प्रॉपर इसमें बोन भी है क्योंकि वो 3 मंथ खा लेगी वो, और ये पूरा प्रॉपर जो ब्रेस्ट है चिकन ब्रेस्ट है, ये आप देख सकते हैं इसमें सारे चिकन ब्रेस्ट, ये देखो ये चिकन ब्रेस्ट है। तो दोस्तों जो मेरा क्वांटिटी है वो बुल्ली के लिए आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा है, बट आप उतना आप मत दीजिएगा, और क्योंकि क्वांटिटी स्टार्ट, अगर पहली बार स्टार्ट कर रहे हो तो सपोज कि पहले बार इतना डालो, इतना मीट हो गया एंड थोड़ा सा ये चावल, चिकन चावल, इसको क्या करना दोस्तों आपको मैश करके, आपको स्टार्टअप मैश करना है, ये इसको मैश कर देना तोड़ के ना, आप इसको ऐसे मैश कर दो, थोड़ा क्वांटिटी में स्टार्ट करो ताकि उसको पेट को डायरेक्ट झटका ना लगे। उसके बाद 2-4 दिन बाद जब देखिए स्टूल वगैरह हार्ड है प्रॉपर डाइजेस्ट कर पा, फिर चिकन क्वांटिटी ऐड कर दो, 2-3 दिन बाद और ऐड कर दो, फिर 2-3 दिन बाद उसके अंदर फिर और ऐड कर दो, फिर 2-3 दिन बाद उसके अंदर और ऐड कर दो। तो अब वैसे अब ये जो ये है अपना बुल्ली है उसको मैं अच्छी क्वांटिटी का मैं चिकन देता हूँ मैं, ताकि कि चिकन और अपने राइस, ये देखो, और ऐसे मैश करके इसको क्वांटिटी मैंने देखो चिकन क्वांटिटी मैंने आज स्लोली बढ़ाया, मैंने डायरेक्टली नहीं बढ़ाया, आस्ते आस्ते मैंने क्या किया अपना। तो अगर आप भी स्टार्ट कर रहे हो चिकन राइस में डाल लो तो स्टार्ट करो पहले छोटा सा, उसके बाद इसमें क्वांटिटी बढ़ाते रहो, ठीक है ना, और इसमें आप ये चावल भी ऐड करते रहो, इसको मैश कर दो। और अभी दिखाऊंगा दोस्तों कि आप जो अमेरिकन बुल्ली है मेरा वो कितना खुश होकर खाता है। तो ये इसको प्रॉपर हम मैश कर देंगे इसके अंदर, चिकन राइस बेस्ट है, एक उबला हुआ अंडा वो ऐड कर सकते हो, बट दोस्तों अभी उबला हुआ अंडा जैसे लॉकडाउन पीरियड है मैं खत्म मुझे मिला नहीं, और इसमें इसमें देख सकते हो आपकी चिकन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, और इसमें हल्का ये जो हल्का चेस्ट का बोन है, हल्का हल्का ये भी है, ये भी एक गले का बोन हड्डी है, ये भी जरूरी है इनके लिए कैल्शियम सोर्स के लिए, और इसमें चिकन क्वांटिटी काफ़ी अच्छा है, कम से कम 350-300 ग्राम के आसपास है, और उसमें 150 ग्राम के आसपास है, तो हाफ केजी चिकन दोनों का, राइस से क्वालिटी थोड़ा बढ़ाए थे इसको हम लोग। ये जो मेरी गोल्डन रिट्रीवर है उसके लिए है, तो ये प्रॉपर हो गया ये फूड चिकन राइस ये बुल्ली के लिए। तो ये चिकन राइस है दोस्तों, तो दोस्तों जो चिकन राइस है ये आजकल मैंने ऐड कर रखा है मैंने, अगर अभी अंडा कट रहे ऑर्डर कर रखा है मैंने, भैया आ गया तो अंडा भी एक बॉइल्ड एग डाल दूंगा, तो चावल अंडा और ये अपना चिकन, लॉकडाउन के पेट चिकन आई थिंक मिल रहा है, तो ये है जो आजकल मैं दे रहा हूँ, बट साथ में इसको सप्लीमेंट भी देना है। बट इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कई लोग चिकन नहीं खाते, कई लोग के पास चिकन अवेलेबल नहीं है, उस केस में कुछ नहीं करना। आप जैसे चावल बनाया मैंने, सेम चावल इसमें है दाल, जो होता है दाल ऐड कर दो आप, जितनी दालें होती है आपकी लाल मलका जो भी एक्सपाइज ऐड है वो दाल ऐड करो, आप दाल चावल दे सकते हो, घर पे दाल सबका बनता है, जब दाल बनता है उसमें दोस्तों आप हल्दी डाल दो और वो डाल दो, बट दाल डाल दो, उसमें नमक मसाला ऐड मत करना, वो एक कटोरा निकाल लो, एक कटोरा वो निकाल के उसमें आप एक रोटी डुबो दो, मैश कर दो, दाल रोटी मैश कर दो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा नहीं खाएगा क्योंकि हैबिट, आप अभी तक आप डॉग फूड खिला रहे हो, थोड़ा नखड़े करेगा, तो ट्राई करना कि उबला हुआ अंडा, हाफ उबला अंडा उसको ऊपर से उसको डाल दो, ताकि उसका टेस्ट चेंज हो जाए और वो खाने लगे। एंड कुछ इस तरह आप उसको जो अपना दाल रोटी में भी स्विच कर सकते हो, ग्रीन वेजिटेबल है अगर आपके पास वेजिटेबल्स है, अगर आप भी इस टाइम अगर अवेलेबल है तो वेजिटेबल एंड सूप सा बना के हल्का सा छोटे सी इसी में प्रेशर कुकर में सीटी लगा रहे हैं वो आप वो दे सकते हो,
एंड तो अगर दही रोटी है, अगर दही दूध आ रहा है, दूध को जमा के आप दही रोटी दे सकते हो आप। तो ये कुछ बेसिक फूड्स है दोस्तों, जो अमूमन अभी आप दे सकते हो घर का खाना सब। और ये नहीं कि लॉकडाउन के पीरियड में, जैसे कि आप देखें लॉकडाउन के पीरियड में क्या है अब दोस्तों, इसमें जो मिसिंग क्या है, वेजिटेबल्स। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो इसमें सारे ग्रीन वेजिटेबल्स इसमें ऐड करता मैं, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स मिलता है वो सब इसमें ऐड करता, जो भी मिसिंग है, क्योंकि मार्केट उतना जाना वो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा कम ही रहा, तो हम भी जाए से बाद हम भी खुद खा रहे हैं, डॉक्टर भी कम खा रहे हैं, बट चिकन राइस हम खिला रहे हैं, एज चिकन तो आई थिंक मिल भी रहा है। और हाँ, कई लोग कहते हैं चिकन में कोरोना, चिकन से कोई कोरोना का इफेक्ट नहीं है, चिकन दबाए खाओ, आप भी खाओ, अपने डॉग को भी खिलाओ, ऐसा वो हो चुका है, कोई चिकन से घबराने की बात नहीं है, आप खिला सकते हो। एंड ये फूड है दोस्तों जो आप रिप्लेस कर, जो आप देख सकते हो अपने डॉग को इस टाइम पे क्या बढ़िया खाना, चिकन राइस है, इसमें आप वेजिटेबल्स ऐड कर दो, एक बॉइल्ड एग कर दो, ये आप कंटिन्यू खिलाओ अपने डॉग को। बट जैसे तो स्टार्टिंग में पहले क्वांटिटी कम, स्लोली स्टार्ट करना, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट जितना मैंने क्वांटिटी दिखाया आप सीधा उतना दे दो, डायरेक्ट के इजी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और लूज मोशन में खतरा भी हो सकता है। बट अगर लूज मोशन होता है तो जैसे कि दोस्तों ये पीरियड चल रहा है, अभी मेडिसिन ज़्यादा नहीं मिलता, तो आप इंसान वाले केमिस्ट में जाके वहाँ से आप पावर जेल लेना, पावर जेल हो गया या नॉन मेट्रो जेल हो गया या मेट्रो जेल हो गया, लूज वो दवा ला के, अगर आपके पास 1.5-2 महीने का पपी है तो उसको आप 1.5 या 2 ml आप दे सकते हो सुबह शाम। उससे क्या होगा दोस्तों, जो उसका लूज मोशन कंट्रोल हो जाएगा, अगर वोमिटिंग करता है तो डोमस्टल आता है, आप डोमस्टल उसको 1.5 या 2 ml दे सकते हो, क्योंकि अभी ये दवा बताऊँ कि दोस्तों अभी पीरियड ऐसा चल रहा है हमारा कि अभी आप लोग कई डॉक्टर्स के पास या वेटरिनरियन अवेलेबल नहीं है। इस केस में जो बेसिक फर्स्ट एड है ये आप ध्यान रखना, अगर बच्चे को बुखार हो आता है तो उसको जो क्रोशिन आता है बच्चे का, क्रोशिन सिरप आता है, पैरासिटामोल आता है लिक्विड फॉर्म में, आप वो 2.5 ml दे सकते हो आप। तो ये कुछ दवा जो आप इस टाइम पे अपने डॉग्स को आप दे सकते हो। सो दवा हो गया, ये फूड हो गया, हाँ इसके साथ दोस्तों मल्टीविटामिन क्या है, अगर आपके पास हो सके तो ये जिपविट का है, ये मल्टीविटामिन एमिनो एसिड टॉनिक है, ये बहुत बेस्ट है। और अपना ये वेंटैब है, ये भी टैबलेट है, आप ये दोनों अगर घर का खाना दे रहे हो कोई टेंशन नहीं है, इसके बाद भी आप कंटिन्यू पूरे साल पूरी लाइफ में घर खाना दे, तो ये दो चीज़ है दोस्तों जो आप कंटिन्यू करो अपने डॉग के खाने में, अगर ये कंटिन्यू देते हो तो घर के खाने में आराम स्विच करो, किसी प्रकार कमी नहीं आएगी, ना ग्रोथ में ना हेल्थ में, हर चीज़ परफेक्ट होगा। और घर के खाने में दोस्तों ये नहीं है घर के खाने में उसको कंजूसी करो, 1 किलो मीट ला के उसको 1 हफ्ता चलाओ, ऐसे नहीं है दोस्तों क्वांटिटी का, आप देखो ये आई थिंक 3 महीने के आसपास से 2.5-3 महीने की हो गया, तो कम से कम 350-400 ग्राम इसको मीट दे रहा हूँ मैं, और साथ में भी बॉयल्ड एग भी होते हैं 4, तो अलग ही मज़ा आता, बट चलो वो कवर करूँगा। सो ये जो देते कैसे दोस्तों की जिपविट है, ये 2.5 ml जो है मैं वो दे रहा हूँ। स्टार्टिंग जो दोस्तों करना है, आप जब जिपविट लाओ, जब आपको पप्पी हो तो 0.5 ml से करो, ये सिरिंज है, इसमें ये इस तरह आपने सब 1 ml ले लिया, वैसे ही मैंने स्टार्टिंग फिर 1.5-2 ml ऐसे स्लोली आप बड़ा करना है। तो मैंने अब ये 2.5 ml जो है ये जाता है अमेरिकन बुल्ली को, और 5 ml जाता है ये गोल्डन रिट्रीवर लूसी को। तो ये जो दो मल्टीविटामिन दोस्तों ये खाने में बहुत जरूरी, ताकि अभी देखो इसमें ग्रीन वेजिटेबल मिसिंग है और भी ऐसे कई प्रोटीन्स मिनरल्स विटामिन जो होना चाहिए जो इस डाइट से मिसिंग है, वो क्या करेगा जो ये हमने सप्लीमेंट दिया है वो उससे ये पूरा हो जाएगा। एंड दोस्तों ये ब्रांड काफ़ी मैंने वो किया, मैंने बहुत यूज़ किए, मिल गया, ये विरल हो गया, ये टक्कर के है, ये हम दे सकते हैं। और अगर आपके पास इम्यूनल बूस्टर, जैसे मौसम चेंज हो रहा दोस्तों, वैसे तो मुश्किल है अभी बोलना क्योंकि नहीं मिलेगा लोगों को, बट फिर भी एडवाइस लेके, जैसे मौसम चेंज हो रहा है, ठंडा गर्म का चेंज हो रहा है, हल्का मौसम गर्मी वाला आ रहा है, तो इम्यूनोल या ठंड से गर्मी ठंड आता है तो इम्यूनिटी बढ़ाने के दोस्तों ये आप स्टार्ट कर देना, जैसे मौसम पलटी मारता है और जब हमारे घर के बच्चे हम बीमार होना स्टार्ट होते हैं तो इम्यूनोल ये अपने डॉग को स्टार्ट कर देना, ये क्या दोस्तों इम्यूनिटी बढ़ाएगा, ताकि जब मौसम पलटी मारेगा तो वो डॉग बीमार ना पड़े, अपने आप को वो सर्वाइव कर ले। तो इम्यूनोल ये बहुत जरूरी है, ये भी आप अपने डॉग के साइज के हिसाब से दे सकते हो। दोस्तों जो ये जो खाना है दोस्तों ये बच्चे के लिए है, क्योंकि अमूमन कई कमेंट्स में बच्चों के लिए आते हैं, बड़ों के लिए दोस्तों ये खाना सेम है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये खाना बड़ों का है, ये खाना बच्चों का है, एंड दोस्तों ये खाना बच्चों का है और ये खाना बड़ों का है, तो ऐसे नहीं कि बड़ों को कुछ और दोस्तों बड़ों को भी चिकन ये देखे फ्रेश, आप भी देख सकते हैं ये सब फ्रेश चिकन है, आप देख रहे हैं। कई लोग दोस्तों लोग क्या करते हैं, कहते भैया है वो चिकन का पंजा, अरे यार डॉग रखो चिकन का पंजा खिलाओगे, ये लेग पीस है, ये लेग पीस है, तो ये सारे लेग पीस फ्रेश है जो मेरे डॉग खाएंगे।
तो कई लोग क्या करते हैं कि भैया वो खिला दो, क्या कहते हैं उसको, पंजे, पैर। अरे पैर ये 10-10, 20-20 रुपये किलो वो स्किन आता है यार, वो खिलाने की चीज़ है क्या यार? यार डॉग रखना है, ढंग से रखो वरना मत रखो यार। अब खुद हम खाएंगे बढ़िया चिकन एंड अफगानी, देखो ये फ्रेश ये वो है मीट, आप ये सकते हैं, ये देखो दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये देखो फ्रेश मीट है। इस तरह डॉग लगता है दोस्तों, डॉग इस तरह पलते हैं। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी पैर खिला दो, कभी भी पैर मत खिलाओ दोस्तों, पैर खिलाने क्या है, सस्ता पड़ता है 20-30 रुपए का, बट आए टाइम वो किडनी को असर करता है। तो किडनी अगर आप डॉग में डॉग को बचाना चाहते हो दोस्तों तो वो मत करो, ठीक है ना। ये बड़ा बड़ा डॉग है, सो ये सब जो खाना है ये इनके लिए, तो इनको भी खिलाऊंगा मैं। सो चलो वीडियो में कवर करेंगे खिलाते हुए, ये सब खाना इनके लिए। हाँ भाई आ रहा हूँ, रुको। हाँ दोस्तों अब खाना खिलाने की बारी आई है, तो ये जो है लिसा का। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने चाव से खा रहे हैं, देखो खाने की स्पीड परफेक्ट। ये टेल देखो, ये खुश है, बहुत खुश है ये, देखो ये इसकी निशानी है कि इस जो डाइट खाना खिला रहा हूँ इससे ये बहुत खुश है, ये देखो और दबाकर खा रहा है। ऐसे डॉग पलते हैं। हाँ बेटा अब तेरी बारी, भैया कोई ना कम की आती बहुत है, ये देखो इसको मैंने अड्डी दिया मैंने, और इसको अड्डी मैंने नहीं दिया क्योंकि छोटा है, तो छोटा को दोस्तों आप बोनलेस देना। एंड जब भी छोटी थी भी बोनलेस खाया करती थी, बट अभी बड़ी हो चुकी है, आई थिंक बड़ी मतलब कि हाँ 2-3 महीने की हो गया दोस्तों। इसके पीछे भी रीज़न है, ये भी जो पप्पी जो थे उसको मैंने बचाया था मैंने, क्योंकि ये जो पप्पी है लूसी ये मरी हुई पैदा हुई थी, इसके अंदर सांस नहीं था, सॉरी मरी हुई नहीं, इसके अंदर सांस नहीं था, इसके अंदर सांस दोस्तों मैंने लाया, मतलब लाके हमने रबिंग जो भी मैंने सीखा था वो सारे लगा के इसके अंदर सांस लाया। तो ये एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस था। आप देख सकते दोनों डॉग मेरे दोस्तों खुश होकर खा रहे हैं, ये जरूरी है। सो दोस्तों जब पूरी दुनिया लॉकडाउन लगा था 22 तारीख को, अपने घर के लिए राशन भर रहे थे, उससे मैं दोस्तों मैं स्पेशल चिकन वाले पे गया और मैंने कहा भैया आप छोड़ो चिकन कितना बड़ा है, उसके पास 101 के आसपास थे, 150 किलो के आसपास चिकन था, वो मैंने लेके अपने डॉग के लिए स्टॉक कर लिया मैंने। तो परवाह जानवर के लिए पैरी करते हैं, मेरा ख्याल ये लोग मेरे ऊपर डिपेंड है। जब मेरे फादर भी आई थिंक वो राशन लेने गए थे स्टॉक करने के लिए, बट मैं गया था चिकन लेने के लिए, और उसका फायदा है कि चलो 150 किलो चिकन अब तक चल रहा है बट अभी खत्म होने वाला है। सो मैं भी ये देख रहा हूँ मार्केट पर, अच्छे के मार्केट में चिकन इजिली अवेलेबल है, तो दोबारा ला के दोबारा स्टॉक रखे। एंड ये खुश दोस्तों, तो हम खुश। तो ये कुछ फूड है तो हम जो दे सकते हैं, चिकन इजिली मिल रहा है नहीं मिल रहा है, घर का खाना, मल्टीविटामिन हो दो, कुछ टाइम तक अगर मल्टीविटामिन नहीं मिला वेट करो मार्केट ओपन होगा, मार्केट ओपन होता है फट से जाके आप कोई मल्टीविटामिन आप ले आओ डॉग के लिए, नहीं रह सकते हैं तो घर का खाना दाल का पानी बेस्ट हो गया, दाल पनीर, पनीर कैसे बनाना है आप बोलो, पनीर कहाँ मिल रहा है, आधा लीटर दूध का पैकेट लेकर वीटा वर्का मदर डेयरी लेके आओ, दूध को डालो उसमें नींबू डालो वो फट जाएगा और वो पनीर बन जाएगा, वो दो घर का पनीर, फ्रेश पनीर सबसे बेस्ट। देखो दूध मिल रहा है तो दूध से पनीर बन गया, अगर आपको डॉग सपोज कि दाल रोटी नहीं खाता है, वेजिटेबल नहीं खाता है, पनीर दो, इजी तरीका बनाने का, दूध लो गर्म करो उसमें नींबू निचोड़ो फट जाएगा और उसको खिलाओ, शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, ताकतवर है, पेट के लिए बहुत अच्छा है, आराम से डॉग आपको सर्वाइव करेगा। अच्छा डाइट है पनीर, वो फाड़ के आई थिंक 20 रुपये में तैयार हो जाएगा, 100-150-200 ग्राम के आसपास में निकल जाता है, तो वो कई फायदेमंद वाला चीज़ है आपका, पनीर हो गया, दही हो गया। और दूध के बारे में दोस्तों क्वेश्चन मार्क है, आए डॉक्टर कहते मत दो, आए डॉक्टर कहते दो, बट हरियाणा पंजाब है यहाँ दूध दही से लोग बहुत पालते हैं डॉग, और एक से एक डॉग तैयार होता है, तो दूध जिस डॉग को पप्पी को सूट कर गया तो वो पप्पी अल्टीमेट बहुत बढ़िया ग्रोथ होता है, जिसको सूट नहीं किया वो सीधा ऊपर जाएगा, सूट कर गया तो सांड बनेगा, सूट नहीं किया तो सीधा ऊपर जाएगा, दो फंडा है दूध का, तो देख लो ना, अगर सूट करे ना करे रिक्स मत लेना, तो 50-50 में कहता नहीं उसको यूज करने के बारे में, या करो ना करो, जो लोग कह रहे हैं रिजल्ट अच्छा आता है कैरी ऑन। तो दोस्तों ये कुछ है तरीका जिससे आप अपने डॉग अभी इस टाइम पे अपने पप्पीज को डॉग को रख सकते हो, एंड बस रखो पालो, और भी कोई क्वेरीज है तो बता देना। एंड हाँ नेक्स्ट वीडियो आने वाला दोस्तों कि आपके फीमेल हीट पे कैसे आते पता लगता है, और कुछ एक मिथ कि कैसे पता लगे, तो वो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो उसको भी लाइक सपोर्ट कीजिएगा, एंड अगर कोई कमी बेसी रह गई हो तो माफ़ कीजिएगा, एंड हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद दोस्तों, लॉकडाउन का पीरियड है, प्लीज़ 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 बाहर मत निकलो,
एंड मेरे सब्सक्राइबर के मुस्लिम सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर भी है। प्लीज़ भाई आप लोग पढ़े लिखे हो, उनसे रिक्वेस्ट करो जो आपके छोटे भाई लोग की भाई बाहर ना निकले, और जो कोरोना फैला रहे दोस्तों की आज हम दूसरों को फैला रहे कल हमारे ऊपर भी, हमारे परिवार के ऊपर भी आ सकता है। तो प्लीज़ यार घर के अंदर रहो और खुद भी बचो, अपने परिवार को बचाओ, समाज को बचाओ। एंड सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, जाति धर्म को सब भूल जाओ दोस्तों, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ, हम सब एक ऊपर वाले के बच्चे हैं, और उसमें ध्यान दो दोस्तों और देश को बचाओ, हम सभी मिलकर बचाना है, हम सभी धर्मों को एक साथ आके बचाना दोस्तों। हम कोई नहीं, हम पहले इंसान हैं, पहले हमारी इंसानियत बड़ी है, पहले हम इंसान हैं दोस्तों, बाद में कोई धर्म आता है, पहले हम ऊपर वाले के बच्चे हैं, अल्लाह के बच्चे हैं, हमारे वाहेगुरु के बच्चे हैं, या अपने जीसस क्राइस्ट के बच्चे हैं, हमारे भगवान के बच्चे हैं, हम पहले उनके बच्चे हैं दोस्तों। तो उनके लिए समाज बचाओ, कुछ नहीं तो अपना परिवार बचाओ। आज हम बाहर जा रहे हैं, लुक्कड़ में खड़े होंगे, कोई इन्फेक्ट बंदा होगा उससे हम लेके आ गए, हमारा घर गेड़े में आ गया। तो ज़्यादा कम कहना, ज़्यादा समझना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।